आबकारी की कार्रवाई। लोडिंग ऑटो में शराब की तस्करी करता आरोपी आबकारी के हाथे चढ़ा। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा अवैध मदिरा निर्माण विक्रय परिवहन धारण की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में लगातार जारी कार्यवाहियों में दिनांक 7 जनवरी को कोलारस क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर पड़ोरा पुल के नीचे हाईवे पर शिवपुरी के कोलारस से एक ऑटो में अवैध शराब की तस्करी करने वाले तस्कर को पकड़कर उससे 8 पेटियां देशी प्लेन मदिरा की जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 का प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में कुल 4.30 लाख का सामान जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज आरक्षक सतीश जयंत और ऋतिक धाकड़ का सराहनीय योगदान रहा। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में श्री संजय कुमार गुप्ता जी जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में आज मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पड़ोरा पुल के नीचे चेकिंग लगाकर एक ऑटो को पकड़ा गया है जिसमें 8 पेटी देशी प्लेन मदिरा बरामद की गई है और उसको आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। कुल कीमत इसकी 4,30,000 रुपये है।